मेरा एरिया दाम्बुग से ये एक एडवेंचरस एंड मोस्ट टफ साइकिल ट्रैकिंग का इवेंट प्लेग ऑफ करने का मुझे ऑर्गेनाइजेशन का टीम ने निमंत्रण दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि इस तरह का बहुत अच्छा इवेंट पर आज मैं मुख्य अतिथि के रूप में मुझे यहाँ एनकरेजमेंट सब पार्टिसिपेंट को देने का मौका मिला। तो मैं विश्वास रखता हूँ हमारा योद्धा लोग टूरिज्म एडवेंचर्स में काफ़ी पार्टिसिपेट करें और हमारा जो बहुत सुंदर पहाड़ नदी बहुत ऊँचे एरिया बर्फीला एरिया सबको हमारा विदेशी तक इस सुंदरता को दिखाए और टूरिज्म को अच्छी तरह से प्रमोशन करें। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोलैबोरेशन स्टेट गवर्नमेंट का जो ये से नो ड्रग्स, दारू नहीं पीना है, सिगरेट बीड़ी नहीं पीना है, जैसे कानी नहीं पीना है, वो सब का अवेयरनेस प्रोग्राम भी है। हाँ, बोल रहा है कि से नो टू ड्रग्स, बीड़ी सिगरेट, आपका पेरेंट्स को भी आप बोलिए कि देखिए बीड़ी सिगरेट पीने से बहुत ख़राब होता है, हेल्थ ख़राब होता है, ड्रिंक करने से ख़राब होता है, कानी लेने से ख़राब होता है। इसके लिए आप खुद भी बोलिए, पेरेंट्स को बोलिए और आप खुद भी दूसरा को देख के भी मैंने देखिए गलत हो रहा है ये चीज़, ओपनली आप बोलिए इस चीज़। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट, जो हमने दाम्बुक से जो MTV मिस मी हिल चैलेंज जो एक्सपीडिशन शुरू किया है, अंत में आज आके एंड हुआ दसले आके, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा। यहाँ में नेशनल लेवल का साइकिलिस्ट है हमारे पास, एहंदो मेंजो और सूतो है, हमारा रूबी है एंड अपकमिंग और भी काफ़ी साइकिलिस्ट यहाँ से निकलने का उम्मीद करता हूँ मैं इन फ्यूचर में। जहाँ तक हमारे सर ने जो ने कहा कि काफ़ी अच्छा रूट है, ऑफ रूट है, रूट जिस तरह से हम आते हैं हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जिस तरह से हम लोग चल रहे थे, तो हमको ये लग रहा था कि लड़के लोग इस लेवल तक पहुंच पाएगा कि नहीं, लेकिन रियली अप्रिशिएट करता हूँ ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट को जो यहाँ तक पहुँचने के लिए। हम लोग भी अपना वैसे ड्रग्स को टैकल कर रहा है, लेकिन जब एक नेशनल फिगर इंटरनेशनल फिगर जो है सोसाइटी में जाके इश्यूज़ को समझाता है तो बहुत ही बेहतर होता है। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों सर और मैडम, वो जो नेशनल फिगर है, वो आप ड्रग्स के इश्यूज़ को और डेप्थ जाइए और हो सके तो हम भी आपके साथ चलेंगे। जब आप हमको लीड करता है तो हम लोग को ये इश्यूज़ को आगे ले जाने में बहुत ईजी रहता है। और आज तो फाइनली हम लोग देसली पहुँचा है। देसली बहुत चैलेंजिंग रोड है और इसमें आपका ऑफ रोड ज़्यादातर ऑफ रोड मिला है और आज हम लोग देसले में पहुंच के बहुत सेटिस्फाई लगा है। जम्मू पानी में हम लोग चिल्ड्रेन लोग का स्टूडेंट लोग का साथ मिल के बात किया, उन लोग को हम लोग का ये लाइफ का ये सब शेयरिंग किया है, उन लोग को अच्छे से ये करने के लिए मोटिवेट करने के लिए कोशिश किया है। तो थैंक्स टू डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, इसने ये यूथ को प्रमोशन के लिए बहुत अच्छे से ये मिसमी हिल चैलेंज रखा है। तो इसमें काफ़ी यहाँ का एडवेंचर एंड ट्विस्ट आने का चांसेस है इस तरह का इवेंट में। तो ग्रास रूट लेवल में एक तरफ से ये बहुत काम आएगा, जैसे बडिंग राइडर लोग को आने के लिए। पिछले बार यहाँ से शुरू होके मेंजो है, रूबी है, सूतो है, तो अभी भी काफ़ी नया आ रहा है जो स्टूडेंट लोग है, जो नया ये है, तो उसमें से छोटा छोटा ये लोग भी है, जैसे अभी 16-17 ईयर्स का साथ हम लोग लेके आ रहा है और गांव-गांव में हम लोग प्रमोट करने के लिए इसको कोशिश कर रहा है। ये मिसमिल का 3rd एडिशन है और पहला बार तो ये वाक्रो तो तेजु था सेट था, इस बार पहली बार हमारे साइड में रिंग साइड में काफ़ी अच्छा लगा। और ये देसली रूट काफ़ी बढ़िया है एक्सपीडिशन फॉर साइकिलिंग के लिए, काफ़ी अच्छा रूट दिखा है। ऐसा बहुत ही कम रूट है अरुणाचल में जो ऐसा रूट मिलता है और एक्सपीडिशन के लिए बहुत बढ़िया है साइकिलिंग के लिए। और वगैरह कुछ और इवेंट या फ्यूचर में आने वाला कुछ स्पोर्ट इवेंट या ट्रैकिंग टूरिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है ये और काफ़ी
और बहुत सुंदर जगह है, ब्यूटीफुल जगह है, और आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन को स्पोर्ट में और आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से गवर्नमेंट अरुणाचल डिपार्टमेंट यूथ अफेयर करा रहे गवर्नमेंट जो साइकिलिंग का, तो काफ़ी अच्छा है फ्यूचर में, काफ़ी नया नया यंग जो स्पोर्ट पर्सन निकलने का चांसेस रहेगा, नेशनल और इंटरनेशनल में फ्यूचर में चांसेस अच्छे करने का चांसेस रहेगा। मिसमी हिल बहुत अच्छा जगह है। हम नेक्स्ट डे हम कॉन्फिडेंस से दूसरा बाहर के लोग को हम यहाँ कॉन्फिडेंस से ला सकते हैं, और यहाँ का रास्ता बहुत अच्छा है, जगह भी बहुत फ्रेश है, बहुत हम फर्स्ट टाइम जिस डिस्ट्रिक्ट को लोअर दिबांग भी ले लोअर दिबांग भी ले इदू मिस में बचपन से सुनते आ रहे, आज देख लिया बहुत अच्छा है, जगह बहुत फ्रेश है, रास्ता भी बहुत बढ़िया है, और बहुत बर्फ बर्फ भी देखने को मिलता है, बहुत अच्छा है। मेरा नाम है बिकी नोदी एंड आई एम फ्रॉम करादादी डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली हम जो साइकिलिंग जो शुरू किया एक्चुअली फिटनेस के लिए किया था, बट साइकिलिंग कर करके मतलब साइकिलिंग में इतना टच हो गया कि अभी साइकिलिंग कर करके अभी हम लोग दम्बुक से स्टार्ट करके अभी टॉप में पहुंचा है। सो आई एम वेरी हैप्पी, स्पेशली थैंक्स टू तका सर और आप लोग मीडिया पर्सन है और सर लोग भी बैठा हुआ है, और स्पेशली ये एरिया का वो यूथ्स को हम बोलना चाहते हैं कि यह इतना सपोर्टिव है आप लोगों स्पोर्ट में, साइकिलिंग में, एवरीथिंग आई हैव सीन की या बैडमिंटन कोर्ट भी देखा है। हम चाहते हैं कि आप लोग का काश हम लोग का जगह भी ऐसा होता तो शायद कितना अच्छा होता था, तो आप लोग को इतना अपॉर्चुनिटी मिला है तो आप लोग प्लीज़ ये जगह को आप लोग यूज़ कीजिए और अपना शायद अपना लाइफ भी बना सकता है आप लोग, ऐसा नहीं है पहला जैसा नहीं है, अभी अभी साइकिलिस्ट में भी आप कुछ कर सकते हैं, स्पोर्ट में बहुत कुछ है। तो रियली आई वांट थैंक्स टू कमिटी मेंबर एंड यूथ अफेयर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नानी हाली है और फिर आई एम ए स्टूडेंट, अभी फ़िलहाल फिजिकल एजुकेशन में बैचलर्स कर रहा है। तो बेसिकली दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम MTB एक्सपीडिशन, इसका पहले कभी साइकिल तो चलाता था बट देन ऐसे एक्सपीडिशन वगैरह कभी ट्राई नहीं किया था। तो इस बार ताका भैया हमको बताया कि ऐसे ऐसे उन लोग एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हमको ज्वाइन करने को बोला। तो एट फर्स्ट आई देखा कि कितना जर्नी हम लोग को कवर करना है, सो इट आ जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दाम्बुक से रोइंग से मयोध्या पास हुनली एंड देन फाइनली देसाली। सो एट फर्स्ट आई डेंट थिंक आई वुड बी एबल टू कम्प्लीट द होल जर्नी, बट देन फाइनली अभी देसाली पहुँच गया एंड देन सीरियसली द जर्नी फ्रॉम हुनली टू देसाली इट वॉज वन यू नो इट वॉज रियली टफ। ऑफ रोड था, अप हिल था, एट द सेम टाइम ऑफ रोड था, तो बहुत ही मुश्किल था। हुनली तक का अप हिल था बट देन द रोड वॉज यू नो प्लेन, तो इतना भी मुश्किल नहीं हुआ था। आई मीन एंट्रेंस तो हाँ गया था लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं हुआ था, बट देन फ्रॉम हुनली टू देसाली इट वॉज ऊपर से इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो देसाली तक का तो बहुत ही मुश्किल था रास्ता, बट देन फाइनली हम लोग पहुँच गए एंड आई एम रियली हैप्पी। सो आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू दी तमुद भैया एंड देन ऑल दी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, DSO सर, रोइंग और फिर जो अरुणाचल साइकिल एसोसिएशन वगैरह, उन्होंने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया इधर ये एक्सपीरियंस करने का, टू यू नो नेचर के साथ नेचर को देखने का। एंड इट वॉज ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम विटनेसिंग स्नो, सो इट वॉज आई मीन एन एक्सपीरियंस टू रिमेंबर। सो थैंक यू और फिर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर एक्सपीडिशंस लाइक दिस एंड आई मीन प्रिटी श्योर आई विल जॉइन अगर फ्यूचर में होगा तो। थैंक यू। मेरा नाम शफीकुल इस्लाम है, मैं गुवाहाटी से हूँ, स्पोकअप वहाँ का वर्कशॉप में काम करता हूँ, और तो मैं अरुणाचल तो पहला भी आया हूँ और यहाँ पहली बार आई हूँ देसारी, ये तो घूम के अच्छा लगा और बर्फ़ भी पहली बार देखा है। और ये मंजू भैया, इसके साथ घूम के अच्छा लगा। देसाली तो पहली बार अच्छा लगा, चारों साइड बर्फ़ ही बर्फ़ है। स्टूडेंट लोग ना खेल पा रहा है ना कूद पा रहा है, कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, तो वो समय जो 6 से 7 वर्ष का अवधि था उसमें हमारे रोइंग के जितने भी युवक थे मैक्सिमम ड्रग्स की तरफ चले गए। उन लोगों को स्कूल पढ़ाई के बाद कुछ खेल कूद का मौका नहीं मिला, तो वो लोग सभी मैक्सिमम उस बैच के स्टूडेंट लोग कोई ओपियम एडिक्शन में चला गया, कोई दारू पीने में चला गया और कोई इवन हैवी ड्रग्स जैसे अभी ब्राउन शुगर तक लेने शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे प्रशासन और यहाँ के जितने भी
स्टेक होल्डर है उन लोगों ने प्रेशराइज किया कि जल्द से जल्द वो ग्राउंड को कंप्लीट किया जाए, और हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर राजू मीपी साहब उनकी देख रेख में हम लोगों ने दोबारा बनाया। उसके बाद हम यही एनकरेज करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं खेल कूद पर ध्यान दें, एडवेंचर स्पोर्ट्स पर ध्यान दें, और आप लोग जो एडवेंचर स्पोर्ट्स, साइकिलिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है, और हमारे रोइंग में बहुत सारे साइकिलिंग इंथुसियास्टिक लोग बहुत हैं, तो सीनियर भी है, यंगर जनरेशन भी है, तो हम यही चाहते हैं कि निशमी हेल्थ ट्रिकिंग कंपनी और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इस तरह का प्रोग्राम को और एनकरेज करें, और अगर स्थानीय प्रशासन By the time, I think by another 1 year, most probably Desali will be getting blacktopped road. तो वहाँ पर आपका एडवेंचर मोस्ट प्रॉब्ली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका वो आप जैसा बताया MTB वाला जो पोर्शन है, टफ वाला पोर्शन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कभी मौका मिलेगा तो आपका बस्ती है दोलनी तालोनी दोपहर भी आप, क्योंकि साइकिल के लिए तो बहुत अच्छा रोड नेसेसरी नहीं होता, बहुत ज़्यादा टफ एरियाज में भी वैसे वो साइकिलिंग करता होते थे, देखा तो मे भी फर्दर और करते करते हम लोग का बस्ती का नाम भी रोशन आगे कहीं फैला दो, तो देट वे बहुत अच्छा लगा। एंड हम लोग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है कहीं स्पोर्ट्स में, कहीं में जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। डेफिनेटली तका साहब ने सही बोला है कि हमारा स्टेट में इतना जो नेचुरल बॉर्न टैलेंट है बहुत भरपूर है, लेकिन उसको जो चैनलाइज करना और किसी को बताना किस तरह से आपको अपना आपको सही जगह पे ले जाना, वो चैनलाइज नहीं कर पाए। लेकिन हमको अच्छा लग रहा है कि ये अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन और मिसमी हिल ट्रैकिंग ने जो है जो बडिंग और इनर्जेटिंग जो लड़का है उसमें से पिकअप करके और ये साइकिलिंग सिखाया है, और हमारा जो बहुत से नेशनल लेवल तक हमारा ये नाम भी अचीव हुआ है। तो ये जो है जितना भी राइडर्स है, जूनियर राइडर्स है, वो सीखना चाहिए कि किस वजह से हमारा जो देश का प्राइड है, नेशनल का प्राइड है, अब अपना सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन कर रहा है। डेफिनेटली आपको उसको सीखना चाहिए। और मैं बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत सा आपने इतना ये मैं न्यूज़पेपर पे देख रहा था कि दम्बुक्तु देसाली D2D कहने में बहुत ईजी है दम्बुक से देसाली, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं तो हम लोग जब गाड़ी से जाता है तब भी बहुत ही टफ ट्रेन है, तो आपने उसको कंप्लीट किया है, उसके लिए मैं आप सबको कंग्रेचुलेट देता हूँ। एंड डेफिनेटली हमको लगा कि आपका लाइफ में एक सबसे बड़ा जो सबसे टफेस्ट शायद आपने साइकिलिंग किया, आप सबका एक्सपीरियंस है वही लगा है। डेफिनेटली हमको भी लगता है कि इसमें डिफरेंट टोपोग्राफी आपको मिलता है, जब आप दम्बुक से निकलता है तो प्लेन एरिया मिलेगा, देन धीरे धीरे आप अपवर्ड जाएगा, एंड देन आपको 14,000 फीट फ्रॉम सी लेवल, एंड देन आप आगे जाता है तो जहाँ पे रोड जो है अभी न्यूली कंस्ट्रक्शन उसमें आप साइकिलिंग करना ये बहुत ही टफ है। मे बी आप किसी ने कंप्लीट नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि सक्सेस इज़ नॉट द फाइनल, सक्सेस कभी फाइनल नहीं होता है, एंड फेलर इज़ नॉट द फटल। आप अपना आपको उसमें जो है कंटिन्यूसली अपना आपको उसमें डालना चाहिए, सक्सेस में हो या फेलर में, आप फेलर भी हो लेकिन आप अपना कंटिन्यूस इफोर्ट जो है आप उसमें डालना चाहिए आप सक्सेस होने के लिए। अगर सक्सेस होता भी हो तो आप उसको कंटिन्यूटी रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसलिए कहता हूँ कि सक्सेस जो है फाइनल नहीं होता है, आपको इसको कंटिन्यूटी रखना पड़ता है। तो जैसे अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन और मिसमी हिल जो ट्रैकिंग है, इसने बहुत ही अच्छा काम किया है कि हमारा जो सोसाइटी में, हमारा अरुणाचल में बहुत सा टैलेंटेड लड़का है।